आप आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अरबिक का टी एम है 2022-23 और 235 टेंथ क्लास का एन आई ओ एस का है। ठीक है, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि हरकात के साथ एराब के बारे में बताना है, हरकात क्या होती हैं। इसका जवाब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी वो एराब जो ज़बर जेर जाहिर किया जाता है, जैसे रईदुन मिसालों के साथ बताना है। तो आप देख सकते हैं ये अलामात हैं, इनसे आप लिख सकते हैं। पहला सवाल यहाँ पूरा हो जाता है। इसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में ये है अनिशाओं अजमे, तो एक सवाल का जवाब देना है, खाली जगह भरनी है। जैसे कानत दुआजुबी अनाली कबल मगारब, तो इनमें तीन में से कोई एक सवाल, मतलब इनमें से तीन में से कोई एक जवाब है इसका, तो इसमें अल मगरिब है और इसके अंदर है। इसके बाद है बा के अंदर है हरफुल क़रातुद्दु का ज़िबुन, इसके बाद अस्तादु, फिर इनमें से तीन है अज़्ज़हबु, और तीसरा अक़फ़दुल यौमुल अन्नास, इसमें अन्नास है। और तीसरा सवाल है कि इनमें, इसके बाद अगला सवाल है कि तीसरा के जमीला ताज महल पर जो है आप लिखें, उसकी खूबसूरती के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत ये लिखना है पहले साफ़ सुथरा करके, फिर उसके बाद जो है अगले पेज पे भी अच्छा खासा आप देख सकते हैं। ये लिख दिया है मैंने अरबिक में और तैयार कर दिया है, आप इसे पढ़िए ध्यान से, जो अरबी जानते हैं ज़्यादा। मुझे जानता तो हूँ लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा ख़ास मीनिंग उसके बारे में अभी इतनी दिलचस्पी, मतलब ये तो सब जानता हूँ लेकिन इतना उसके बारे में नहीं पता। चौथा सवाल है तीसरे के बाद, अब ये चौथा सवाल आ जाता है के जो है अरबी में 10 जुमले लिखने हैं अरबी सीखने के लिए आसान जुमले। तो यहाँ पे यूनुस शबाबुन जमील मौवा फिस साबिर फिल उम्री इस्मुहु वलदुन मसरून इलैही वहुवा मुअल्लिफुन फी असवती, ये सारे जुमले आप इसमें से देख के लिख सकते हैं और इसमें से ही कर सकते हैं। ये 8 जुमले तो यहाँ पे हैं, 8 जुमले आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे के जो जुमले हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ये रहे 9वां और 10वां, ताजमहलाओ जमीलतुन अरबिया। फिर अगला सवाल है कि भाई इसमें जो है इन लफ्ज़ों से क्या बनाने हैं, जुमले बनाने, तो जुमले ही बना दिए। शमुन फेले यहाँ पे इसका जुमला है, दसून इसका जुमला, इसके बाद इसका जुमला, इसके बाद इसका जुमला बना दिया। अब इसके बाद जो है छठा और आखिरी सवाल है, इसमें कहा है कि जो है हाथी के बारे में 100 लफ्ज़ों में लिखना है। तो मैंने यहाँ से लिखना शुरू करा है, अलिफ करा है, और ये देखिए थोड़ा यहाँ तक लिख देंगे आप, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे ये सारा, ठीक है, इस तरह आप लिख देंगे। और फिर अगले पेज पे भी पूरा एक पेज है, आप देख लीजिए, इसमें भी अच्छा खासा जो है मैंने इसमें तैयार किया आपके लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए तैयार कर दिया टी एम अरबिक का। अब वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई डाउट है या आपको PDF चाहिए या आपको असाइनमेंट बनवाने हैं या प्रैक्टिकल बनवाने हैं या आपको किसी भी तरह के नोट्स चाहिए या गाइड वगैरह चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पेड होंगी, ठीक है। और अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके डाउट को जो है मैं क्लियर कर दूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।